समालखा शहर के नेशनल हाईवे स्थित राजा गार्डन में पूर्व पार्षद एवं बीजेपी नेता प्रेम सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन भड़ाना के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना का सम्मान समारोह छत्तीस बिरादरी के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ओबीसी समाज के द्वारा पूर्व पार्षद सैनी के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी का निशान कमल का फूल भेंट कर व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सम्मान समारोह में हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाओं व युवाओं की मौजूदगी से मंत्री भड़ाना भावुक हो गए। उन्होंने भव्य और सफल आयोजन के लिए पूर्व पार्षद प्रेम सैनी की पीठ थपथपाते हुए बताया कि आज के आयोजन से साफ हो गया है कि समालखा में रिकॉर्ड मतों से कमल खिलाया जाएगा। भाई प्रेम सैनी ने जो कर्ज उन पर चढ़ाया है उसे कैसे उतार पाएंगे। हर कदम पर भाई प्रेम सैनी मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बेटे मनमोहन भड़ाना को हलके की जनता को सौंप दिया है। ओबीसी समाज का प्रोग्राम था, आज यहाँ पहुँचे, कैसा समर्थन मिला, क्या कुछ विशेष रहा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। मेरे बुद्धिजीवी पूछ रहे हैं मुझसे कैसा मिला जी। हाँ जी जी, जबकि सब पूरे देश की खबर आप रखते हो तो जिस प्रोग्राम में आप हो उसकी खबर आपको नहीं होगी। फिर आपकी मुँह से मुख से वो कहते हैं ना, मुँह से मिट्टू नहीं बना कि मैं ये कहूँ कि सब श्याम बाबा का है, सब करने वाला श्याम बाबा है। हम तो एक माध्यम है, जो ड्यूटी लगाएगा वो करके जानी है, वो करके। मोदी जी के चुनाव से पहले आपने 400 पार का नारा दिया था। बिल्कुल दिया था। सैनी साहब के उसमें क्या कुछ नारा देना चाहोगे, कितनी आप टिकट में कितनी सीट मानते हो हरियाणा में? देखो हरियाणा में 80 पार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्थानीय नेताओं का कहीं ना कहीं साथ मिल रहा है या अभी नहीं मिल रहा, मनाने में कामयाब हो पाओगे या नहीं, उसके बारे में? देखिए ऐसा है, जो देश को प्रेम करता है और जो हमारे यह प्रेम को भी प्रेम करता है वो हमारे साथ रहेगा। देश प्रेमी, पार्टी प्रेमी और लोगों से जो प्रेम करता है वो अच्छाई के साथ रहता है, और मुझे लगता है कि मेरे सारे पार्टी वाले, सारे भाई सब अच्छाई के साथ लगेंगे और देश के मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जितने प्रदेशों में होंगे तभी कोई कानून पास होंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। समालखे के टिकटार्थी कहीं ना कहीं बाहरी कहकर नाराज थे कि बाहर वाले को टिकट दे दी, स्थानीय को भी तवज्जो नहीं दी गई, इसके बारे में क्या उन्हें अपना उनसे मिले भी हो, उनका क्या कुछ रहा उसके बारे में? ऐसा है, वो मुझे मिले हैं, उनने मुझे कहा पार्टी के साथ रहेंगे। हमारा पहले भी उनसे वादा था, पहले ही मजबूती से कि भाई जिसको मिलेगी, जितने हम भाई हैं, हमने किसी भाई के साथ चलते हुए लोगों को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? कि जिसको हम टिकट मिलेगा तो उसे एक अच्छा भी लगेगा कि भाई टिकट मिला अब तो पार्टी के साथ जाना है। बीच में कोई किसी को छोड़ के आता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने कह दिया था जो टिकट मिलेगा हम सब उसके साथ रहेंगे, तो वो भाई भी हमारे साथ आएंगे। क्योंकि सबको देश से प्यार है, पार्टी से प्यार है, एक आदमी से किसी को प्यार है। हाँ मैं अब भी बोल रहा हूँ कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ईमान होता है, मुसलमान उसे कहते हैं जिसका ईमान होता है। और जब तक मुसलमान नहीं बनोगे तो दोबारा आना पड़ेगा, और अगर कर्ज चुका के जाओगे, सबका सम्मान करके जाओगे, फिर दुनिया में नहीं आओगे। मुसलमान इस्लाम से नहीं होता है, मुसलमान ईमान से होता है। जो लोग ईमान है उसको हमारे जो बड़े थे वो कह करते थे ये पक्का मुसलमान, क्योंकि वो सच्चा होता था, ईमानदार होता था, उसमें कोई दाग नहीं होता था, तो वो मुसलमान की बात। धर्म सिंह छोकर जी ने कहा है कि खाली सीट देकर यहाँ पे चुनाव लड़ने आए और अब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में अभी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ऐसा है, सच बात तो ये है, वो मनमोहन भड़ाना वही लड़ना चाहता था और उसे टिकट भी वही की मिल रही थी, लेकिन करतार भड़ाना जब यह आया था तो भगवान ने पर्ची डाली थी भगवान के चरणों में और उनने भेजा था, और आज भी मनमोहन भड़ाना ने पर्ची डाली, नहीं तो वहीं पर बतेरी सीट है, हमें सीट नहीं मिल रही थी वहां की, जा सीट पे हाथ रखेंगे ना वो सीट हमारी है, और घर में बैठ के इलेक्शन लड़ते, लेकिन कर्ज जहाँ का चुकाना है वहीं जाना पड़ता है। ऊपर वाले का आदेश समालखा का है, और जब तक उसका आदेश है उसे कौन टाल सकता है।
अब हल्के की जनता आपके बारे में क्या क्या कुछ विशेष है हल्के जनता की तरफ आपकी तरफ से? मेरी जनता को मैंने अपील रहेगी 5 तारीख के लिए, मैंने यही कहा कि भाई 5 तारीख को एक देश को मजबूत करने के लिए इलेक्शन करना है, वोट करना है, सच्चाई से वोट करना है, देश के लिए वोट करना है, किसी इंसान के लिए वोट नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन जो हो रहा है ये देश के लिए हो रहा है कि विश्व गुरु बनेगा, तो संसार में विश्व गुरु तभी बनते हैं जब किसी भी चीज की कोई समस्या देश में नहीं रह जाती है, आम आदमी एक अच्छा जीवन जीता है तब। इस प्रेम सैनी की नजर में आज 36 बिरादरी इकट्ठा हुई थी और बढ़िया समर्थन भी हुजूम भी लोगों का देखने को मिला है, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? बता, जो सम्मान उस भाई ने किया है, मैं भी, मेरा बच्चा भी और जो मेरे है साथी है वो भी उनका सम्मान करते रहेंगे, उनका मान करते रहेंगे और जो उनका हुक्म होगा उस पे चलते रहेंगे। तो में सभी समाज ने सैनी के नेतृत्व में, नायब सैनी के नेतृत्व में पूरे समाज का दूसरी बार, हाँ जी, अजीत सैनी सरकार तीसरी बार, नायब सैनी सरकार दूसरी बार बीजेपी सरकार तीसरी बार समालखा में कमल खिल सकता है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? बिल्कुल खिलेगा जी, 100% खिलेगा, देख लेना आप, मैं वादे से कह रहा हूँ कमल खिलेगा। जी राज मोदी की लहर में भी कमल नहीं खिला, अरे अब की बार खिलेगा देख लेना आप, 100% खिलेगा, 100% खिलेगा। अजी क्या अब की बार ऐसा क्या है जो कमल खिलेगा? अब की बार लोगों में उत्साह है कि कमल खिलाएंगे, नायब सैनी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे। हाँ जी, हमारे नायब सैनी जी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, हम आमून पर विश्वास करते हैं। मनमोहन के बारे में दो बात बोलो। मनमोहन बढ़ाना बहुत ही अच्छा लड़का है और अपने पिताजी से भी अच्छे कार्य कर रहा है और बहुत ही हौसला है उसके अंदर कि मैं अपने हल्के में कुछ करके दिखाऊंगा, सबका सम्मान करूंगा और जो अधूरे कार्य है उनको पूरा करूंगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।